हाय गाइस, द जुडितिया एंड वेलकम बैक टू फिट एंड ग्लैम शो। सो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज मैं जो आपके संग किट शेयर करने वाली हूँ, ये अगर आप ब्राइडल हो, आपकी शादी होने वाली है, अगर आप ब्राइडल नहीं हो, शादी भी नहीं होने वाली है जैसे मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ, तब भी आप इस प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। और मैं खुद पहली बार इसे ट्राई करने वाली हूँ। आई थॉट कि मुझे ये वीडियो आप लोगों के संग शेयर करना चाहिए, तो आप भी देख पाएंगे कि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है, आपको परचेस करना है नहीं करना है, इट्स ऑल अप टू यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वो रेड बटन को प्रेस करना बिल्कुल फ्री है। सो गाइज, मैं जिस किट की बात कर रही हूँ, दिस इज वाओ स्किन साइंस उपटन लग्जूरियंट किट। ये आपकी स्किन को ग्लोइंग, यूथफुल और फेयर बनाने में हेल्प करता है। ये प्रोडक्ट पैराबिन फ्री है, SLS फ्री है, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, वेगन प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। एज ग्रुप की बात करूं तो इफ यू आर 18 प्लस देन यू कैन ट्राई दिस किट। फर्स्टली मैं आपको एक टाइनी माइनी सा इस प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी, देन वी विल जंप ऑन द डेमो पार्ट। ये इस टाइप की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। आई मस्ट से इसकी पैकेजिंग इज अमेजिंग। सबसे पहले ये सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन ये पैकेजिंग इसकी ले जाती है। ये इस टाइप में ओपन होता है। ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर 4 स्टेप्स मिलता है। फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर आपको ब्रश मिलता है जो रबर का है, जो आपके फेस पे बहुत अच्छे से मास्क को लगाने में हेल्प करता है। फर्स्ट स्टेप इज फेस वॉश। ये फेस वॉश में चिकपीज, बेसन, हल्दी, विटामिन सी, बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है। सेकंड स्टेप इज उपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब, जो आपकी बॉडी और फेस को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है। थर्ड स्टेप इज उपटन फेस एंड बॉडी पैक। ये फेस पैक आपके जितना भी टैनिंग होता है आपके फेस पे और डेड स्किन रहती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज वाओ स्किन साइंस सनस्क्रीन फेस सीरम। ये आपके ये 2-in-1 है, ये एंटी एजिंग पे भी वर्क करता है, प्लस ये एक सनस्क्रीन है जिसके अंदर SPF 55 है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना फेस वॉश ले रही हूँ। ये फेस वॉश मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसके अंदर बेसन, सैंडलवुड ऑयल है, बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो उपटन में होते हैं वो मिलाए गए हैं। सेकंड स्टेप में स्क्रबिंग कर रही हूँ। दिस स्क्रब इज़ वेरी नाइस बिकॉज ये बहुत ही, इसके जो ग्रैनुअल्स है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो आपको बिल्कुल हार्श नहीं लगते हैं। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है देन टू यू कैन यूज़ दिस स्क्रब। इसको अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मसाज करके मैंने फेस क्लीन किया है। आफ्टर देन मुझे मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रही थी। थर्ड स्टेप मैं यहाँ पर फेस मास्क लगा रही हूँ। आप देख सकते होंगे इस ब्रश की हेल्प से इतने अच्छे से ग्लाइड हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि ये ब्रश थोड़ा सा भी हार्ड है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर पर्सनली आप इन सारे प्रोडक्ट्स को सेपरेट लेना चाहते हैं, कॉम्बो में किट में यूज़ नहीं करना चाहते, देन टू आप परचेज कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो देन यू कैन चेक आउट। आफ्टर वॉशिंग माई फेस यू कैन सी मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। अब फोर्थ स्टेप है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये एक सनस्क्रीन तो है, प्लस ये एक फेस सीरम है, मैटिफाई फिनिश देता है, तो ये आपकी एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे इंग्रीडियंट्स हैं लाइक रसबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, एवोकाडो ऑयल। बस मुझे इसके अंदर एक चीज़ फील हुई है कि ये थोड़ा सा मीन्स है ना व्हाइट कास्ट देता है, जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। एक मिनट के लिए ये थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट आपको लगेगा, लेकिन थोड़ी देर में ये पूरे फेस पे अच्छे से सेट हो जाता है। सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑन वाओ उपटन किट। इट्स अमेजिंग, मुझे रियली बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिला है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।